अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे मटन ग्रेवी बहुत ही जल्दी फटाफट गांव स्टाइल में। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो मटन लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे सारे मसाले हमारे इसमें कच्चे जाएंगे। हमने प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर अदरक लहसुन को हमें मिक्सर जार में बारीक पेस्ट बना लेना है। अब इसे हम गोश्त में मिला देंगे। ऊपर से हमें कच्चे ही गोश्त में सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्सर जार को पानी धो के डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने 2 साइज़ प्याज लिया है, इसे हमें लंबी शेप में काट कर इसमें डाल देना है। और इसमें डालेंगे टमाटर, 2 हमने टमाटर लिए हैं, इसे भी हमें डाल देना है इसमें। और साथ में लेंगे 7-8 हरी मिर्च, इसको भी हमें डाल देना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा हरी मिर्च। अब इसमें पिसे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 4 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच भर कर लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें और 1 चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को डाल देंगे और ऐड करेंगे तेज़पत्ता, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और सारे खड़े मसाले ऐड करेंगे और 2 चम्मच डालेंगे भर के राई का तेल। अब इन सारी चीज़ों को डालकर हमें ऊपर से नीचे से अच्छे से इसको चला देना है ताकि सारा मसाला हमारा अच्छे से ऐड हो जाए। अब यहाँ पर गैस ऑन करेंगे और कुकर को इस पे रख देंगे। सीटी अभी नहीं लगाएंगे, पहले हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है। ये देखिए अलट पलट करते रहेंगे ताकि नीचे से कहीं पकड़ ना ले। अब थोड़ा ढक्कन लगा कर इसको पकने देंगे। अभी मटन का पानी बहुत छूट रहा है, पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब इसको हम सुखा कर अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे गोश्त की। ये देखिए 50% गोश्त हमारा भुन चुका है अच्छे से। अब इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसको लगा देंगे सीटी। यहाँ पर हमने 3 सीटी ली है, 1 फास्ट पे और 2 स्लो पे। और ये देखिए माशाल्लाह मटन हमारा पूरा फुल रेडी हो चुका है, ऊपर से अंदर नीचे तक। ये देखिए क्या खुशबू आ रही थी माशाल्लाह। अब यहाँ पर एक पतीली में थोड़ा सा डालेंगे 2-3 चम्मच तेल। अब इसमें सारे गोश्त को हम पलट देंगे। और यहाँ पर ये गोश्त देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन अच्छे से गल चुका है। अब इसमें आप पानी अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको चाहिए कम ज़्यादा। हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला था। ये देखिए ग्रेवी हमारी मीडियम बनी है, ना बहुत पतली ना बहुत ही सूखा बना था, मीडियम बनी थी। अब ऊपर से डाल देंगे फ्रेश हरी धनिया और इसको अच्छे से ऊपर नीचे से चला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा मटन ग्रेवी गांव स्टाइल में रेडी है। बहुत ही गजब की खुशबू आ रही थी, इससे आप नान, रोटी, चपाती, तंदूरी, केवाची किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही गजब का बनता है ये सालन और बहुत ही जल्दी फटाफट बन जाता है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका ग्रेवी बन के निकला है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा जल्दी फटाफट बन जाता है। सारी मेहनत इसकी भुनाई में है, जितना अच्छा आप भुनेंगे उतना ही अच्छा आपका मटन बन के रेडी होगा। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।